हेलो एंड वेलकम बैक टू बेस्ट एवर कुकिंग शो। मैं श्री आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आपके शो पे, बेस्ट एवर कुकिंग शो पे। सो आज अपन बनवूया पापलेट फ्राई। हिंदी में नहीं बोल सकते। सो आज हम बनाएंगे पापलेट फ्राई। अब इंग्लिश बस ना, अभी आप चलिए देखिए पापलेट फ्राई। आज हम बनाएंगे पापलेट फ्राई। पॉम्फ्रेट मच्छी को एक सीजर के साथ फिन्स और टेल कट करके उसके गट्स निकाल ले यूजिंग योर फिंगर्स अंडर रनिंग वाटर। सी, हो गया कितनी आसानी से। अब पॉम्फ्रेट मच्छी के ऊपर से ऐसे 3 चीरे मार लो आगे और पीछे। इसे होता ये है कि मछली के अंदर तक मैरिनेट जाता है और फ्राई होने के बाद ये दिखता भी छान है। अब करते हैं जी मैरिनेशन। इसके लिए पहले हम नमक और हल्दी दोनों साइड में लगाकर अच्छे से रब कर लेंगे। फिर अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट फॉर पंच एंड टेस्ट। फिर इसमें सूड ने गोवन मसाला डाल के मिक्स किया है, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इफ़ यू हैव आप इसे यूज़ कर सकते हो। बढ़िया ही। इसके ऊपर नींबू निचोड़ के अच्छे से मल ले, क्योंकि सूड के हाथों में मैरिनेट लगा हुआ था। सो मेरे हाथों से लाल मिर्च और मीट मसाला डाल के रब किया है। आखिर मेरा हाथ पड़ेगा तभी तो डिश अच्छी बनेगी सूड की। इसको 1-2 घंटे साइड में रख ले इफ़ यू लाइक इट गुड एंड मैरिनेटेड। अगर आप सूड की तरह है तो तुरंत ही बना ले। अच्छा, फ्राई करने से पहले हल्का हल्का सा रवा या सूजी इसके ऊपर डस्ट कर ले, ताकि जो मसाला है वो मच्छी को चिपका रहे और निकले ना। और फिर उसको गरम गरम तेल में फ्राई कर ले। इसको किसी फ्लैट पैन में ही फ्राई करें। और एक बात, मेक श्योर पहला फर्स्ट मिनट फ्लेम एकदम हाई हो और पैन ऑलरेडी बहुत गर्म हो। फिर 1 मिनट बाद फ्लेम रिड्यूस करके फ्राई करें फॉर अनदर 1 मिनट। फिर इसको पलट के ढक ले और 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करें। अच्छा, ये मैंने बोल तो दिया मगर ये 3-4 मिनट में कुक हो जाएगा। शक करती हो तुम पति पे शक। चलो ये देखो, है ना, ये 72-73 डिग्रीज। देखो ये जो 72-73 डिग्रीज टेम्परेचर है, ये इंटरनल टेम्परेचर है। उसके बाहर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो जब प्रॉन थोड़ा सा रेस्ट करेगा, सो वो सारा बाहरी टेम्परेचर अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा और इसका इंटरनल टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। मीनवाइल इस प्रॉन को हम साइड में रख देते हैं एक प्लेट में और दूसरे प्रॉन्स भी फ्राई कर लेते हैं, सो दैट जब सारे प्रॉन्स खाने की बारी आती है सब एक जैसे कुक्ड हो जाएंगे और वो जूसी भी रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।